शिवांगी, मानसून को लेके, तेज बारिश को लेके मुंबई में किस तरह की स्थिति बनी हुई है और लोगों की जो लाइफ लाइन कहे जाने वाली मुंबई है वो अभी क्या लाइन पर है या डिरेल होती हुई इनकी जिंदगी दिख रही है भारी बारिश के चलते? पूर्णिमा, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। अगर आप तस्वीरें देख पाएंगी तो यहाँ पर घुटनों तक पानी में हम भी खड़े हैं और ये इलाका मुंबई का सायन इलाका है। मुंबई के ऐसे कई इलाके हैं इस वक्त इसी तरह से जहाँ पर जल भरा हुआ है। ज़रा कैमरा पैन करके आपको दिखाएंगे कि देखिए जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा ये समय है और हमेशा खासकर जो निचले इलाके हैं ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। थोड़ी सी ही बारिश में पहली बरसात है और पहली बरसात में ही मुंबई का ये हाल है। मुंबईकरों के लिए परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। एक तो कोरोना और उस पर इस तरह से पानी हर जगह जल भरा, दिक्कत ही दिक्कत है। साथ ही बीएमसी तमाम दावे कर रही है लेकिन उनके दावों का क्या हाल है ये आप देख सकते हैं। लगातार मुंबईकरों से हम यहाँ बात कर रहे हैं, स्थानीय लोग जो यहाँ रहते हैं, और कह रहे हैं वो कि अगर कोई सामान लेने के लिए भी ज़रूरत का उनको घर से निकलना है तो वो नहीं निकल सकते गंदे पानी में। साथ ही मैनहोल जो है वो जगह जगह पर खुला हुआ देखने को मिला। हाल ही में एक महिला मैनहोल में गिर गई थी। दहिसर में भी कल हमने देखा एक घर ढह गया था। मलाड में हमने देखा कल की घटना में 12 लोगों की मौत हुई। दहिसर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो लगातार कई सवाल खड़े यहाँ होते। ज़रा कैमरा पैन करके दूसरी ओर भी दिखाएंगे आपको कि देखिए ट्रैफिक की इस वक्त क्या हालत है। यहाँ पर भी जो ट्रैफिक है वो स्लो मूविंग है और थोड़ी सी ही बारिश में मुंबई का शिवांगी अगर मैं ये कहूं जाता है लगातार मुंबई तो क्या ये गलत होगा कि बीएमसी की तरफ से चाहे जितने दावे कर लिए गए हों कि हम तैयार हैं मानसून की बारिश के लिए, आने वाले 3 दिन भी मुंबई ऐसी ही नजर आएगी अलर्ट जो जारी हुआ है उसके मद्देनजर? देखिए पूर्णिमा, बीएमसी लगातार ये कह रही है कि हमने तैयारियां की है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जो मैनहोल हर बार खुले होते हैं उनको ठीक कर लिया गया है, दुरुस्त कर लिया गया है। निचले इलाके चाहे सायन हो, हिंदमाता हो, गोवंडी हो, मानकुर दो, इन सब जगहों पर दुरुस्ती का काम किया गया है। लेकिन तस्वीरें बयां कर रही है, ये हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कि क्या हाल है। बीएमसी ने कल भी ये कहा था कि हमने तैयारी की थी। देखिए 9 जून से 12 जून तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जब अचानक बारिश आती है तो बीएमसी कहती है कि हमारी तैयारियां पूरी नहीं थी, लेकिन जब आपको पहले से ये जानकारी थी कि रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, बिल्कुल जाहिर बात है शिवांगी, अलर्ट का मतलब ही ये होता है कि आप तैयार हो जाइए और तैयार होने का मतलब है कि तैयारी कर लीजिए ताकि बाकी लोग जो हर बार मानसून की बारिश में इस तरह से परेशान होते हैं मुंबई वासी वो ना हो। लेकिन तस्वीरें बहरहाल रियलिटी ज़रूर दिखा रही हैं। शिवांगी शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए और मुंबई से ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।